तो दोस्तों, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का वितरण लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 25 दिसंबर को किया जाएगा। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल होंगे, किसको 25 दिसंबर को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा, और जिनको नहीं दिया जाएगा उनको कब दिया जाएगा, और लिस्ट में कैसे नाम देखना है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी 25 तारीख को जाएंगे लखनऊ टैबलेट या स्मार्टफोन लेने। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को पता भी चल गया होगा जिसको जाना है लखनऊ, उसके लिए लिस्ट जारी हो चुकी है। और अभी तक यदि आपको लिस्ट में नाम अपना नहीं मिला है तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहली बात कि थर्ड ईयर वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया जाना है, तो आपको परेशान नहीं होना है, मिलने के लिए सबको दिया जाएगा। देखिए, प्रथम चरण का जो है वो 25 दिसंबर को है, फिर जो द्वितीय चरण का है वो जनवरी में है, जनवरी 2022 में, फिर तृतीय चरण का जो है वो फरवरी 2022 में है। ऐसे करके आप सभी को दिया जाएगा, लेकिन जो प्रथम चरण वाले हैं उनके नाम कैसे देखना है मैं आपको अभी बता दूँगा। बता दूं कि हमारे विद्यालय में भी कुछ अभ्यर्थियों के नाम इस लिस्ट में आ चुके हैं, लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन ये कहाँ से लिस्ट जारी की गई है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। कॉलेजों के पास ये लिस्ट पहुंच चुकी है। आपको 24 तारीख यानी कल आपको कॉलेज पर बुलाया जाएगा, वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करके लखनऊ के लिए कहा जाएगा कि आप जा सकते हैं। तो किसको मिलेगा देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि BA BSc के जो अंतिम चरण में यानी कि थर्ड ईयर के अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर BA BCOM और अनर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले अभ्यर्थी, BA BSc बायोलॉजी ग्रुप, BSc मैथ ग्रुप के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले अभ्यर्थी, विवोक रेन्यूएबल एनर्जी BSc अंतिम वर्ष, और ऐसे करके यहाँ पर बहुत से दिए गए हैं। MA MCOM दिया गया है, BAF BBA दिया गया है, इंजीनियरिंग सातवें सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थी, फिर BEd MPed और LLM के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले, तकनीकी शिक्षा और कोई अन्य प्रोफेसर कोर्स कर रहे हैं, इन अभ्यर्थियों को 25 दिसंबर को जाना होगा। इसके लिए कॉलेज की तरफ से आप सभी को कांटेक्ट किए जाएंगे और मेल या मैसेज आपको किया जाएगा, वहां से ही आपको कांटेक्ट करके लखनऊ जाना होगा। तो 24 तारीख यानी कल आपको ये सूचना मिल जाएगी, उसके बाद 25 तारीख को आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी उसमें क्या क्या वहाँ पर ले जाना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।